दोस्तों, महात्मा बुद्ध के नजरिए से आज हम जानेंगे कि जिंदगी की असली कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की असली कीमत को नहीं समझते और अपनी जिंदगी को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपने जीवन को शराब के पीछे व्यर्थ कर देते हैं, तो कुछ लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा पैसा करते रहते हैं। वो अपना पूरा जीवन पैसे के पीछे खराब कर देते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध हमेशा की तरह अपने शिष्यों को अच्छे और बुरे का ज्ञान दे रहे थे और सभी शिष्य उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। मगर उन शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जिसे बहुत ज्यादा सवाल पूछने की आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि जिंदगी को लेकर आप हमें जो भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा? हम में से बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारी जिंदगी का मूल्य क्या है, इस जीवन की कीमत क्या है। कृपया करके आप हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताएं। उसकी बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उठकर अपने कमरे में गए और वहां से एक साधारण सा पत्थर का टुकड़ा लेकर वापस आए। उन्होंने वो पत्थर का टुकड़ा अपने उस शिष्य को दिया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य उस पल बताऊंगा जब तुम इस पत्थर के टुकड़े का मूल्य पता लगाकर वापस आ जाओगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हें इस पत्थर के टुकड़े को किसी को बेचना नहीं है। महात्मा बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए वो शिष्य बाजार की ओर चला गया। सबसे पहले उसकी नजर एक फल वाले पर पड़ी। वो फल वाले के पास गया और उससे जाकर पूछा कि आप मुझे इस पत्थर के बदले में कितने फल दे सकते हो? उस फल वाले ने उस पत्थर को लिया और उसे अच्छे से जांच तोल कर उस शिष्य को कहा, यह पत्थर कुछ ज्यादा खास मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 5 सेब दे सकता हूं। उसने उससे फल लेने के लिए इनकार किया और वो आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसकी मुलाकात एक सब्जी वाले से हुई। वहां उसने वो पत्थर उस सब्जी वाले को दिखाया तो इसके बदले में सब्जी वाले ने उसे 1 बोरी सब्जी देने का वादा किया। यह बात सुनकर उस शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ गई और अब इस बार उसकी जिज्ञासा उसे एक सुनार तक ले गई। वो सुनार इस पत्थर को देखकर इसके बदले उसे 100 सोने की मुद्राएं देने के लिए राजी हुआ। पर वो शिष्य अब इस पत्थर की असल कीमत जानने में उत्सुक था। पर फिर भी उस सुनार ने उसको इस बार 200 सोने की मुद्राएं देने का वादा किया। पर हर बार की तरह शिष्य ने इस बार भी उस व्यापारी को मना कर दिया और इस बार उस शिष्य की उत्सुकता ने उसको एक व्यापारी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। उसने इस पत्थर के टुकड़े को उस हीरो के व्यापारी के सामने रख दिया। उस व्यापारी ने एक मखमल का कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उस कपड़े के ऊपर रख दिया। उस व्यापारी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस पत्थर को प्रणाम किया और फिर वो शिष्य की तरफ मुड़ा और उससे कहा, जिस पत्थर को तुम एक मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत आंक रहे हो, वो दरअसल में एक बेशकीमती रूबी पत्थर है। इतना असाधारण पत्थर किसी को आसानी से नहीं मिलता। मैं अपना अगर सब कुछ दांव पर भी लगा दूं, तब भी इस पत्थर की कीमत को नहीं चुका सकता। इतना सुनकर उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। वो दौड़कर महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने उत्साहित और अचंभित भाव से बाजार में घटी हर उस घटना का विवरण महात्मा बुद्ध को दिया। महात्मा बुद्ध ने उसे शांत होने के लिए कहा और फिर बताया कि हमारा जीवन भी इस रूबी के पत्थर की तरह ही है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, पर हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और इसकी कीमत को कभी भी नहीं समझते।
बस हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कल्पना करते रहते हैं, और इसी कोशिश के चलते हम अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं, बिल्कुल उस फल और सब्जी वाले की तरह। हम हमेशा हमारे जीवन की कीमत उतनी ही समझते हैं जितना दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपने तजुर्बे, अपनी बुद्धि और समझ के बल पर ही तुम्हारी कीमत लगाता है। महात्मा बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को अगर आज के शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हमें हमारे जीवन की कीमत को उतना ही मूल्यवान समझना चाहिए जितना हम अपने बैंक में रखे पैसों को समझते हैं। आज के इस कलयुग में लोग अपनी बुद्धि को अमूल्य बनाने के बजाय दिखावे की ओर ज्यादा प्रभावित होते हैं। ध्यान रहे, पैसा फिर दोबारा कमाया जा सकता है, मगर बीता हुआ समय वापस नहीं कमाया जा सकता। इसलिए अपना धन और समय सोच समझकर खर्च करें। अगर बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी के अनुसार मैं आपको कुछ समझा पाया हूं तो एक लाइक और कमेंट में ओम बुद्धाय नमः लिख दीजिएगा। ओम बुद्धाय नमः।